नमस्कार दोस्तों, आज हम सूक्तयः इस पाठ का अभ्यास करने वाले। सूक्तयः का अर्थ होता है सुंदर वचन, अच्छे वचन। सु प्लस उक्ति ही, सु ये उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है अच्छा। उक्ति ही मतलब वचन, मतलब अच्छे वचन, मतलब सुंदर वचन, गुड थॉट्स। तो यहाँ सूक्तयः ये बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन। उक्ति ही शब्द है, वो स्त्रीलिंग में चलता है मति शब्द की तरह। तो चलिए अब हम चैप्टर के द्वारा समझ लेते हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। अन्वय के साथ इस श्लोक का अर्थ हम समझ लेते हैं। पिता मतलब फादर, पुत्राय मतलब पुत्र को, बेटे को, बाल्ये मतलब बचपन में, महत मतलब बड़ा, विद्याधनं विद्यारूपी धन मतलब नॉलेज, यच्छति देता है। अब पिता है तो हम देते हैं ऐसा कहेंगे। अस्य मतलब इसके, पुत्रस्य अभी हमने यहाँ ब्रैकेट में दिया है, समझने के लिए हमने ये शब्द लिया है। यहाँ से आगे ध्यान में रखना, जो भी शब्द ब्रैकेट में रहता है वो हमेशा समझने के लिए लिया जाता है। मतलब अस्य पुत्रस्य, इस बेटे के, पिता, पिता मतलब फादर, किम मतलब क्या, तपह, तपह का अर्थ होता है तपस्या, शब्दश अर्थ तपस्या होता है। समझने के लिए हम उसे मेहनत, हार्ड वर्क ऐसा लेंगे। तेपे, अभी तेपे का अर्थ होता है तपस्या की, मतलब मेहनत की। तो हमें यहाँ तपह तेपे, इस पूरे दोनों शब्दों का, तेपे क्रियापद है आत्मनिपद का है, इन दोनों का ही हमें अर्थ लेना पड़ेगा कि तपस्या की, साधना की या मेहनत की। इति, इस तरह से, उक्ति ही वचन, तत्कृतज्ञता, तत्कृतज्ञता मतलब उनके प्रति कृतज्ञता है। कृतज्ञता मतलब थैंकफुलनेस, मतलब किसी ने हम पर उपकार किए है, हमारा अच्छा किया है और हमें वो याद रखना है और जब जरूरत पड़े तब उसकी मदद करना है, उसे कहते हैं कृतज्ञता। अभी श्लोक का सरल अर्थ, पिता पुत्र को मतलब पिता बच्चे को बचपन में बहुत सारा ज्ञान देते हैं या देता है। इस पुत्र के पिता ने इस बच्चे के लिए क्या नहीं किया, क्या मेहनत नहीं की, ऐसा कहना ही उनके प्रति एक कृतज्ञता है, एक आभार है, एक थैंकफुलनेस है। मतलब जैसे किसी ने हम पर उपकार किए, किसी ने हमारी बहुत मदद की और जब हम कहते हैं, हम जब बताते हैं कि इसने मेरे लिए क्या नहीं किया, मतलब ऐसा कहना ही एक तरह की एक कृतज्ञता है, एक थैंकफुलनेस है, एक आभार हम उसके प्रति व्यक्त करते हैं। मतलब उसने जो हम पर उपकार किए उसकी हम कदर करते हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य है। पिता ने हम पर बहुत सारे उपकार किए हैं और उसकी कदर करना ही एक तरह की एक कृतज्ञता है, एक ग्रैटिट्यूड है। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। अन्वय के साथ इस श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। यथा मतलब जिस तरह से, अवक्रता सरलता, सरल। अन्वय के साथ श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। यथा मतलब जिस तरह से, अवक्रता, अवक्रता मतलब सरलता, सरलता का अर्थ होता है सिंप्लिसिटी। चित्ते, चित्त में, माइंड में, इन द माइंड, तथा उस तरह से, यदि, यदि मतलब यदि, इफ, वाची मतलब बोलने में, इन द स्पीच, भवेत हो, महात्मानः, महात्मान मतलब ग्रेट पीपल, तथ्यतः वास्तव रूप से, तदेव वही, समत्वम समता, समता मतलब पैरिटी, मतलब इक्वालिटी हम उसे कहेंगे समझने के लिए। इति, इस तरह से आहुहु कहते हैं। इस श्लोक का सरल अर्थ समझ लेते हैं। जिस तरह से सरलता मन में रहती है, मतलब जिस तरह से मन में सिंप्लिसिटी होती है, उसी तरह से यदि बोलने में हो, मतलब मन में और बोलने में यदि सेम रहेगा, एक जैसी ही सोच रहेगी, तो महात्मा जो ग्रेट पीपल है वो उसे ही समत्व कहते हैं, उसे ही समता कहते हैं, मतलब पैरिटी उसे ही कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मन में कुछ है और बोल कुछ रहा है, उसे जो बड़े लोग हैं वो समता नहीं कहते हैं, ऐसा यहाँ कहने का तात्पर्य। त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंगते अपक्वम विमूढधीः। अन्वय के साथ श्लोक का अर्थ समझ लेते। यह मतलब जो, धर्म प्रदाम धर्म वाली मतलब धर्म देने वाली, धर्म मतलब अच्छे, मतलब ड्यूटी कर्तव्य, वाचम वाणी मतलब अच्छी वाणी, त्यक्त्वा छोड़कर, परुषाम, परुषाम मतलब कठोर, कठोर मतलब बहुत ही हार्श, वाचम मतलब वाणी, समझने के लिए हमने ये शब्द लिया है। अभ्युदीरयेत बोलता है, सह मतलब वह, विमूढधीः ही मूर्ख, पक्वम, पक्वम मतलब पका हुआ, फल मतलब फल फ्रूट, परित्यज्य छोड़कर,
अपक्वम कच्चा फलम फल फ्रूट भूंगते खाता है। ऐसा शब्दश अर्थ श्लोक का सरल अर्थ ऐसा है कि जो अच्छी वाणी मतलब अच्छा बोलना छोड़कर बुरा बोलता है, पुरुषा मतलब कठोर हार्श मतलब बुरा बोलता है अभ्युदयित बोलता है, वह मूर्ख क्या करता है, पका हुआ फल छोड़कर कच्चा फल खाता है। मतलब अच्छी वाणी अच्छा बोलना है पका हुआ फल है, और बुरी वाणी मतलब कच्चा फल, ऐसा यह एग्जाम्पल में समझाया गया है। विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने एतु ते चक्षुर्नामनि मते। अनवेक्षात अर्थ समझ लेते हैं। अस्मिन् लोके इस दुनिया में, अस्मिन् मतलब इस, लोके मतलब दुनिया में, विद्वांसः विद्वांस मतलब स्कॉलर, एव मतलब ही, चक्षुष्मन्तः आँखों वाले, प्रकीर्तिताः कहे गए हैं, अन्येषां वदने दूसरों के मुख पर, ये मतलब जो, चक्षुषि मतलब आँखें ब्रैकेट में दिया है समझने के लिए हमने ये शब्द लिया है, ते मतलब वे, तू तो तू मतलब तो, चक्षुर नामनी नाम वाले केवल आँखें केवल नाम वाले मते कहा गया है माना गया है, मते मतलब माना गया है, ऐसा शब्द अर्थ। अब इस श्लोक का सरल अर्थ क्या है कि इस दुनिया में विद्वान को ही सचमुच आँखें माने गए हैं, मतलब जो आँखें होते हर एक को आँखें होते, दो आँखें हर एक को होते, मगर जो विद्वान होता है जो स्कॉलर होता है उसे ही आँखें हैं सचमुच, बाकी जो दूसरे लोग हैं उन पर जो आँखें होते वो सिर्फ नाम वाले होते हैं। अभी ऐसा क्यों कहा यार, क्योंकि आँखों का मतलब होता है जो देख रहा है वो सच या गलत है, जो उसका फैसला कर पाता है वही सचमुच आँखें होती है और वही विद्वान होता है। और ये कौन कर पाता है, विद्वान ही कर पाता है, जो सिंपल या मूर्ख लोग होते हैं वो जो दिख रहा है उसे सच मान लेते हैं, मतलब वो सच है या झूठे उसका वो पता नहीं कर पाते, तो वो सिर्फ नाम वाले आँखें हैं, ऐसा यहाँ कहने का तात्पर्य। यत् प्रोक्तम एन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेद्येन स विवेक इतीरितः। अनवय के साथ श्लोक का अर्थ समझ लेते। एन केन अपि जिस किसी ने भी, यत् जो प्रोक्तम कहा है, कहा तस्य उसका तत्वार्थ निर्णय हो, तत्वार्थ निर्णय मतलब सही अर्थ का निर्णय मतलब सही डिसीजन, एन कर्तुम शक्य हो जिसके द्वारा किया जा सकता है, कर्तुम शक्य भवित मतलब किया जा सकता है, सह वह विवेक हो, विवेक इति ईरित हो, इस तरह से ईरित हो कहा गया है, तीरित मतलब इस प्रकार कहा गया है। श्लोक का सरल अर्थ ऐसा है कि जिस किसी ने कुछ भी कहा हो यदि उसका सही अर्थ लेने की क्षमता एबिलिटी जिसके पास है वही मतलब वही विवेक होता है ऐसा कहा जाता है। विवेक मतलब डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन मतलब जजमेंट, समझने के लिए हम उसे जजमेंट कह सकते हैं, मतलब किसी ने कुछ कहा और वही यदि हम मान ले रहे तो इसका मतलब हमारे पास विवेक नहीं है, किसी ने कुछ कहा है मगर वो सही है या गलत है इसका जो फैसला कर पाता है ऐसा मतलब होता है उसका कि उसके पास विवेक है, जजमेंट है, डिस्क्रेशन है। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्यकातर स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। श्लोक का सरल अर्थ यह है कि जो मंत्री बोलने में चतुर है, बोलने में स्मार्ट है, पेशेंस जिसके पास है और सभा में असेंबली में जो नीडर होकर बात अपनी रखता है वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से हराया नहीं जाता है। यह इच्छत्यात्मनः श्रयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। अन्वय के साथ श्लोक का अर्थ समझ लेते। यह मतलब जो, आत्मन मतलब खुद का अपने आप का, श्रेय कल्याण अच्छा भला, प्रभुतानि बहुत, सुखानि सुख, च मतलब और, इच्छति चाहता है, सह वह परेभ्यः दूसरों के लिए, अहितम गलत कर्म काम कदापि कभी भी न नहीं कुर्यात कार्य करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, न कुर्यात मतलब नहीं करना चाहिए, ऐसा उसका अर्थ लेना है। मतलब श्लोक का सरल अर्थ ऐसा है कि जो खुद का भला चाहता है और बहुत सुख चाहता है
वह दूसरों के लिए कभी भी गलत काम न करे, मतलब दूसरों का गलत कभी ना करे, कभी भी ना सोचे, इस तरह का श्लोक का अर्थ है। आचार प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योपि विशेषतः। अनवय के साथ श्लोक का अर्थ समझते। आचार, आचार मतलब आचरण, गुड कंडक्ट, प्रथम पहला, फर्स्ट, धर्म ड्यूटी, इति इस तरह से, एतत् यह विदुषा वच विद्वानों का वाक्य है, वच मतलब वाक्य है, सेंटेंस है, विदुषा मतलब स्कॉलर, तस्मात् उसलिए, प्राणेभ्यपि प्राणों से भी, सदाचारम सदाचार अच्छा आचरण, विशेषतः खास करके, रक्षत रक्षत मतलब रक्षा करे या रक्षा करनी चाहिए। अभी सरल अर्थ क्या है कि आचरण, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण सबसे पहला हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है, यह विद्वानों का वचन है, विद्वानों का वाक्य है, उसलिए प्राणों से भी बढ़कर खास करके आचरण की रक्षा करनी चाहिए, मतलब हमारा आचरण सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए आचरण हमारे कैरेक्टर को हमेशा संभालना चाहिए। इस तरह से आज हमने इस चैप्टर का अभ्यास किया है, आगे हमने क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आप वो देख लीजिए। धन्यवाद।